हेलो, गुड इवनिंग। आई एम जीत एंड यू आर वाचिंग हेल्थ डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं चाय और कॉफी के बारे में। अब चाय और कॉफी के बारे में पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 15 20 साल 25 साल के लोग होंगे वो सोचेंगे अरे यार सब लोग चाय कॉफी पीने को मना करते हैं, इसमें क्या बुरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम तो रोज पीते हैं। हाँ, जब आप यंग होते हो 15 20 साल 25 साल के होते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वंस यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आपकी उम्र होने लगती है तो आज की जो प्रॉब्लम क्रिएट की होती है चाय और कॉफी की, वो आगे आपको जाके फेस करनी पड़ती हैं और आगे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि चाय और कॉफ़ी पीने के क्या क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, आपको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, और पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी के नेगेटिव पॉइंट्स की। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से आपकी बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा चाय पीने से आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहने लगती है, और ज़्यादा चाय पीने से आपका जो स्लीप सिस्टम है वो बहुत पुअर हो जाता है, आपको प्रॉपर नींद कभी भी नहीं आएगी, आपको साउंड स्लीप कभी भी नहीं आएगी। अगर आप ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और आपको बहुत देर तक चाय और कॉफ़ी ना मिले तो आपको हेडेक और डिजीनेस फील होने लगता है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से आपके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होने लगता है, आपको कब्ज होने लगती है। नुकसान ये भी है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप कैफीन डिपेंडेंट होने लगते हैं, आपकी बॉडी कैफीन को ही रिएक्ट करने लगती है। अगर आपको बहुत देर तक चाय या कॉफ़ी ना मिले तो आपकी बॉडी जो है स्लो पड़ने लगती है। और चाय और कॉफ़ी पीने के नुकसान ये भी हैं कि आपको फैटिक बहुत जल्दी फील होने लगता है, अगर आपको चाय कॉफ़ी बहुत देर तक ना मिले आपको थकान फील होने लगती है। तो ये थे नुकसान चाय और कॉफ़ी पीने के। अच्छा, चाय के बारे में एक चीज़ बता दूँ, चाय में स्पेशली ग्रीन टी वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ने में हेल्प करते हैं। कॉफ़ी में वो भी नहीं होती, और चाय और कॉफ़ी हमारी बॉडी को स्टिमुलेशन देते हैं, यानी कि एनर्जी उत्तेजना देते हैं। तो जैसे कि अगर हम जैसे आपको पढ़ाई कर रहे हैं और आपको हमें जाकर कोई काम करना है और हमें नींद से आ जाए, तो अगर हम एक कप चाय और कॉफ़ी पी लें तो हमें जो है एनर्जी मिलती है और हम ज़्यादा देर तक जाग पाते हैं और काम कर पाते हैं। या हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें लंबे रूट पर ड्राइविंग करते हुए जाना है और हमें नींद से आ रही है, तो हम एक कप चाय और कॉफ़ी पी लें तो हमारी बॉडी को स्टिमुलेशन मिलता है और हम देर तक जाग पाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप चाय या कॉफ़ी बिल्कुल पूरी तरह से ही बंद कर दो, छोड़ दो, बिल्कुल मत पियो। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है चाय या कॉफ़ी पीने की तो एकदम उसको एडिक्टेड मत बनो। पूरे दिन में 10-12 ग्लास जो लोग पी जाते हैं वो मत पियो। हाँ, उसको कट डाउन करो एक या दो कप पे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर बॉडी, फॉर योर फ्यूचर।